नमस्कार दोस्तों, तो आज हम पढ़ेंगे बोट एंड स्वी, नाव और धारा। चलो दोस्त, उम्मीद करता हूँ आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस समझ में आ गया होगा, ये आपको पहले से आता होगा, उसके बाद आप ये बोट एंड स्वी देखना है, ठीक है। चलो, बोट एंड स्वी दोस्त, ये एक पार्ट ही है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, ठीक है। और इसमें हम लगभग 25 टू 30 क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आज हम इसके बारे में थोड़ा देखेंगे, और लगभग 10 क्वेश्चन हम आज करेंगे और 15-20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में, और ये पार्ट फिनिश हो जाएगा। दोस्त, इसमें दो चीज है, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। तो दोस्त, मैंने क्या किया, इनकी कुछ स्पीड होगी, तो मैंने स्पीड ऑफ बोट को एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। स्पीड ऑफ बोट को मैंने एक्स किलोमीटर पर आर मान लिया, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को मैंने मान लिया क्या, वाई किलोमीटर पर आर। क्या मान लिया दोस्त? ये एक्स मान लिया, ये मैंने वाई किलोमीटर पर आर मान लिया, ठीक है। दोस्त, इस चैप्टर को देखने से पहले आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस अच्छी तरह से आना चाहिए, ठीक है। हम कर चुके हैं यहां पर, उम्मीद करता हूं आपको आता होगा। चलो दोस्त, देखते हैं। दोस्त, इसमें दो वर्ड आते हैं जिसकी वजह से हम इसे अलग डीन कर रहे होते हैं, और वो दो वर्ड कौन से हैं दोस्त? डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम एंड अपस्ट्रीम दोस्त, डाउनस्ट्रीम बोले तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में। अपस्ट्रीम बोले तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जिस दिशा में नदी बह रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डाउनस्ट्रीम इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर, अपस्ट्रीम इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रिवर, ठीक दोस्त। अब डाउनस्ट्रीम, या तो अब नदी के दो ही पॉसिबल है, या तो वो उसकी दिशा में बह रही हो या फिर वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हो। तो दोस्त, दो बनती है हमारी, एक होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड कब होगी? जब वो नदी की दिशा में बह रही हो, तब उसकी स्पीड क्या होगी? तो दोस्त, उसे मैं बोलता हूँ डाउनस्ट्रीम स्पीड। और जब वो अगेंस्ट द स्पीड बह रही हो, बोट या कोई आदमी तैर के जा रहा हो, जो भी हो, अपस्ट्रीम स्पीड, तो उसे मैं क्या बोलता हूँ दोस्त? अपस्ट्रीम स्पीड। दोस्त, डाउनस्ट्रीम स्पीड को मैंने कैपिटल डी से डिनोट किया। अब दोस्त, जब वो क्या इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर ही बह रहा है, प्रवाह के साथ ही साथ बह रहा है, तो आप मुझे बताओ जो स्ट्रीम है वो क्या करेगी? वो उसे सपोर्ट करेगी। अपनी तो इसकी स्पीड है ही एक्स किलोमीटर पर आर, और जो स्ट्रीम है वो भी सपोर्ट कर रही है वाई किलोमीटर पर आर से। तो दोस्त, डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? तो आप कहोगी डाउन स्ट्रीम स्पीड के लिए दोनों को जोड़ दो, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आर, कोई दिक्कत नहीं। और दोस्त, अपस्ट्रीम को मैंने U से अप, D से डाउन, तो D कैपिटल D से मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड को रिप्रेजेंट कर दिया। U से अप, तो U से मैंने अपस्ट्रीम स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दोस्त, अपस्ट्रीम स्पीड जब वो अगेंस्ट द डायरेक्शन आ रही होगी, तो क्या जो स्ट्रीम की स्पीड है वो उसे क्या करेगी? अपोज करेगी। अपोज करेगी, तो उसकी अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई। क्या हो जाएगी? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। और दोस्त, जब वो अपोज कर रही होगी, तो एक बात तो जाहिर है कि अगर स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा हो गई बोट की स्पीड से, तो वो बोट कभी उस डायरेक्शन में आ ही नहीं पाएगी, उसके अगेंस्ट मतलब आ ही नहीं पाएगी जहां भी उसे आना है। उस बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए जब भी वो अगेंस्ट द स्ट्रीम तैर मतलब चल पाएगी, या जो भी कहना चाहो। कोई दिक्कत तो नहीं? अगर वाई ज्यादा हो गया एक्स से, तो वो उसे बाहर ले जाएगा, जितने का अंतर है उस मतलब जितने का स्पीड में अंतर है, उस अंतर से स्ट्रीम बाहर ले जाएगी उस बोट को या उस आदमी को। तो अगेंस्ट स्ट्रीम आ रही है, तो उसकी स्पीड ज्यादा होनी ही चाहिए, बोट या आदमी जो भी है। तो इसलिए अब स्ट्रीम स्पीड क्या हो गई? एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आर। तो मैंने डी कैपिटल डी से क्या रिप्रेजेंट किया है? डाउन स्ट्रीम स्पीड, जब बोट उस नदी मतलब उस डायरेक्शन में चल रही हो, और जब अगेंस्ट द डायरेक्शन चल रही हो, तो उसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। और उस स्पीड को क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम स्पीड। किससे डिनोट कर दिया? कैपिटल यू। वो कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस वाई, मतलब बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं? तो दोस्त, मैंने अभी तक देखा कि डी जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है, ये है मेरी एक्स प्लस वाई
और जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो है मेरी एक्स माइनस वाई। कोई दिक्कत तो नहीं दोस्त? अब कभी क्या होगा कि आपको केवल डी दे दिया होगा और यू दे दिया होगा, आपसे पूछ लेगा कि एक्स बताओ, आपसे पूछ लेगा कि वाई बताओ, क्या यहाँ से मैं केवल एक्स बता सकता हूँ क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल। तो दोस्त अगर मैं दोनों को ऐड कर दूँ तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये इधर कितना हो जाएगा d प्लस u। तो ध्यान रखना डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। तो यहाँ से x मैं निकाल सकता हूँ क्या, कितना हो जाएगा दोस्त d प्लस u बाई टू। ये दोनों चीज ध्यान रखना, x इज निकालना है d प्लस u बाई टू, और मैं कहूँ कि दोनों की स्पीड का मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड का सम कितना होता है तो ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ बोट। इसी तरीके से दोस्त दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो x से x कैंसिल हो जाएगा और y में से ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 2y। और यहाँ d ऑब्वियसली बात है ना ये कि d तो बड़ा होगा दोस्त, d में ये दोनों जुड़ रही है, इन दोनों में इनका अंतर आ रहा है, तो ऑब्वियसली बात है d बड़ा होगा, तो d माइनस यू। तो यहाँ से मैं वाई निकालू तो क्या हो जाएगा डी माइनस यू बाय टू। डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं दोस्त, आपको डी दे देगा, आपको यू दे देगा, आपसे वाई पूछेगा या एक्स पूछेगा, वाई बोले तो स्ट्रीम की स्पीड पूछ लेगा या फिर एक्स बोले तो स्पीड ऑफ बोट पूछ लेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आगे बढ़े पक्का। चलो दोस्त अब वो हो सकता है कि एक एक मतलब एक कॉन्सेप्ट और है वो देखते हैं, फिर क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, और इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है दोस्त, ये डिस्टेंस है कोई। अब दोस्त यहां से कोई बोट जा रही है और यही फिर बोट वापस आएगी। अब दोस्त एक मतलब इधर से जा रही है उधर से आ रही है, अब वो क्वेश्चन में ये भी कह सकता है कि वो डाउन स्ट्रीम जा रही है उतना ही डिस्टेंस, उतना ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम आ रही है, ये भी कह सकता है, या केवल यही कह दे सकता है कि एक रिवर में बोट जो है इतना डिस्टेंस गई और फिर वापस आई वहां से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर। तो दोस्त ऑब्वियस ही बात है नदी एक ही तरफ बह रही होगी, तो या तो जाना या फिर आना, इनमें से एक जरूर डाउनस्ट्रीम रहा होगा और एक जरूर अपस्ट्रीम रहा होगा। अगर वो ना भी कहे, वो यही कहे कि अपने स्टार्टिंग पॉइंट से पॉइंट बी तक जाती है, मान लो ये कहते और फिर पॉइंट बी से अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आती है, तो दोस्त ये तो बिल्कुल ऑब्वियस ही बात है ना कि एक तरफ डाउनस्ट्रीम गई होगी एक तरफ अपस्ट्रीम। अब उसने नहीं कहा तो एक तरफ तो होगा ना, इतना तो पता है और सेम डिस्टेंस है। तो दोस्त यहां पर मैंने मान लिया कि डाउनस्ट्रीम जाती है बोट इधर और फिर उतना ही डिस्टेंस वापस आती है अपस्ट्रीम। तो दोस्त डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या मानी थी मैंने डी, जब डाउनस्ट्रीम जा रही है तो डाउनस्ट्रीम स्पीड यूज हो रही होगी वो कितनी है डी, जब वापस आएगी तो अपस्ट्रीम यूज हो रही होगी यू। दोस्त मैंने मान लिया कि उसका जो डाउनस्ट्रीम जा रही है तो टाइम लगा उसे टी डी, इसी तरीके से जब अपस्ट्रीम आ रही है तो उसे टाइम लगा टी यू, और दोस्त ये मैंने डिस्टेंस मान लिया स्मॉल डी। क्या मान लिया दोस्त? स्मॉल डी। तो एक रिलेशन बनेगा दोस्त, ध्यान हो तो जब हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ा था एक रिलेशन पढ़ा था ना d is equals to s1 s2 upon difference of speed into difference of time, और जब summation of time दिया हो तो d is equals to s1 s2 upon summation of speed into summation of time। वही तो ये है कि सेम डिस्टेंस है, दो अलग अलग स्पीड है, एक d है एक u है, दो अलग अलग टाइम है, तो दोस्त वही रिलेशन हो जाएगा। क्या होता था d is equals to s1 s2, यहाँ पर स्पीड क्या है d और u, तो d into u। अब दोस्त अगर मैं difference of time लूँ यहाँ पर tu minus td करूँ, दोस्त यहाँ ऑब्वियस ही बात है tu बड़ा होगा, क्यों बड़ा होगा tu, क्योंकि u छोटा होता है d से, u छोटा होगा तो tu, tu बोले तो time taken during upstream, तो वो बड़ा होगा, तो यहाँ मैं direct tu minus td लिख सकता हूँ, तो ये कितना हो जाएगा d minus u। दोस्त वही तो है s1 into s2 upon difference, इनका difference यहाँ, लेकिन d हमेशा बड़ा ही होगा इसलिए मैंने direct d minus u लिख दिया, into time का difference, यहाँ tu बड़ा ही होगा क्योंकि क्या यहाँ पर du छोटा है तो tu बड़ा ही होगा सेम डिस्टेंस के लिए, तो ये डिफरेंस ऑफ टाइम। तो दोस्त यही तो रिलेशन होता था, कैसे आता था एक बार यहाँ भी देख लेते हैं, वैसे हमने कर लिया था दोस्त, एक अपस्ट्रीम टाइम है, अपस्ट्रीम टाइम क्या हो जाएगा, तो आपको डिस्टेंस, डिस्टेंस मेरा d है अपॉन स्पीड, स्पीड क्या है u, अपस्ट्रीम स्पीड यूज हो रही है tu के लिए, और दोस्त td, td बोले तो डाउनस्ट्रीम टाइम, तो वो कितना है डिस्टेंस d और स्पीड कैपिटल D, तो दोस्त यहाँ से मैं tu माइनस td निकालूँ तो कितना हो जाएगा
डी अपॉन यू माइनस डी अपॉन डी, ये कैपिटल डी है और स्मॉल डी बोले तो डिस्टेंस, जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है। तो दोस्त यहां से जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा। दोस्त मैंने यहाँ डी कॉमन ले लिया, यहाँ डी कॉमन लिया तो एलसीएम क्या हो जाएगा, डी इंटू यू, और ऊपर क्या जाएगा, यहाँ डी से मल्टीप्लाई यहाँ यू से, तो डी माइनस यू इज इक्वल टू टी यू माइनस टी डी। तो दोस्त डी को यही रहने दो, इसे इधर मल्टीप्लाई में ले आओगे तो क्या हो जाएगा, डी इंटू यू अपॉन, ये नीचे आ जाएगा डी माइनस यू इंटू डिफरेंस ऑफ दिस टी यू माइनस टी डी, कोई दिक्कत नहीं। दोस्त इसी तरीके से अगर मैं समेशन ऑफ टाइम की बात करूं तो डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी इंटू यू, यदि मुझे समेशन ऑफ टाइम दिया हो, अपॉन डी माइनस यू इंटू इनका डिफरेंस, सॉरी समेशन ऑफ टाइम की बात कर रहा हूं, तो दोस्त यहां भी समेशन यूज हो जाएगा क्योंकि बीच में प्लस साइन आ रहा होगा, तो ये टी यू है प्लस टी डी, तो यहां अगर समेशन ऑफ टाइम है तो यहां समेशन ऑफ स्पीड, कौन सी स्पीड, स्पीड ऑफ बोट तो यूज नहीं हो रही होगी ना दोस्त, जब वो डाउन स्ट्रीम या अप स्ट्रीम जा रहा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही तो नहीं यूज हो रही होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड यूज हो रही होगी और अगेंस्ट आ रहा है तो अप स्ट्रीम स्पीड, इसलिए डी और यू की बात हो रही है यहाँ, एक्स और वाई की बात नहीं हुई। दोस्त हाँ उसमें मैं कन्वर्ट कर जरूर कर सकता हूँ, दोस्त जैसे एक बार इसे रब कर दूं, आप केवल इसको याद कर लेना तब भी कर दोगे या फिर जो ये है तब भी। दोस्त डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, यहाँ मैंने एक्स किसे माना है, स्पीड ऑफ बोट, और वाई किसे माना है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यू को क्या लिख सकता हूँ मैं, एक्स माइनस वाई, और मैंने देखा था दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, या इसमें से घटा दो तो एक्स एक्स घट जाएगा, ये कितना हो जाएगा, टू वाई अपॉन टू वाई इंटू टी यू माइनस टी डी। तो दोस्त ये कितना हो गया, तो आप कहोगे ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई इंटू टी यू माइनस टी डी। एक्स क्या है यहाँ पर, तो ये याद रखना डायरेक्ट, या तो डायरेक्ट ही लगा देना ये फॉर्मूला, या ये याद है तो इसे यहाँ वैल्यू पुट कर देना कि डी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, यू कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई, यहाँ पुट कर देना, बात एक ही है, क्वेश्चंस जब करेंगे जब पता लग जाएगा। चलो दोस्त इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो यहाँ पर दोबारा लिख रहा हूँ, ये तो इसमें पुट किया तब आया, अगर यहाँ पुट करूंगा तो दोस्त डी डी इंटू यू तो यही रहेगा सेम, तो ये तो डायरेक्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ही, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन डी प्लस यू अब के टू वाई नहीं होने वाला, क्या होगा डी प्लस यू टू एक्स, हमने देख ही लिया है, या फिर यार दोस्त इन्हें ऐड कर लो, ऐड करोगे तो वाई से वाई कैंसिल, तो डी प्लस यू एक्स, और ये समेशन ऑफ टाइम है, ये तो हमें पता होगा क्वेश्चन में क्या अकॉर्डिंग, नहीं पता तो ये निकालना है, वो जो भी क्वेश्चन कह रहा होगा वो पता जब देखेंगे। दोस्त मतलब अगर समेशन ऑफ टाइम दिया है तो अपॉन में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ बोट, और डिफरेंस ऑफ टाइम है तो अपॉन में क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम, ध्यान रखना एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू वाई, वाई क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, अगर डिफरेंस ऑफ टाइम है, समेशन ऑफ टाइम है तो टू ट्वाइस ऑफ एक्स, और एक्स क्या है यहाँ पर, स्पीड ऑफ बोट, आई बात समझ में, ये बवाल है यार, आप एक बार फॉर्मूला याद करो, चारों में से दो है वैसे तो ठीक है, इन दो को ही अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो एक ये बनता है एक ये बनता है, कोई दिक्कत नहीं, आपको केवल ये याद है तभी हो जाएगा काम, आगे बढ़े पक्का। ये दोस्त d और u की वैल्यू तो रख दिया मैंने x और y, तभी तो ये आ गया है। चलो दोस्त क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ये बात आई है समझ में, नहीं आई, नहीं आई तो जब क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे ना तब पता लगेगा आपको। दोस्त पहला क्वेश्चन, मैंने एक बार में ही बता दी, ये नहीं कि केवल क्वेश्चन से जस्ट पहले बताया इसमें, क्योंकि यार इसमें यही कॉन्सेप्ट पढ़ना था, इसे भी क्वेश्चन से पहले मैंने नहीं बताया, अभी बता दिया है पहले ही, ठीक है। दोस्त पहला क्वेश्चन, अब ये सीजीएल मीन्स 2018 में आया था क्वेश्चन, तो बताना, कह रहा है क्वेश्चन नंबर वन, कह रहा है अभी रोज अपस्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 28 किलोमीटर इन 4 आवर्स, दोस्त अपस्ट्रीम जाता है वो 28 किलोमीटर 4 घंटे में, 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, तो आप कहोगे डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड, तो डिस्टेंस कितना है 28, टाइम कितना है 4, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई 7 किलोमीटर पर आर, किलोमीटर आर में है, किलोमीटर पर आर, मतलब मुझे यू पता लग गया यहाँ से। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एंड रोज डाउन स्ट्रीम अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन
आर्स, और डाउन स्ट्रीम 50 किलोमीटर 2 घंटे में। तो दोस्त कैप्स भी मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड पता लग गई कितनी कितने जा रहा है दोस्त, 50 किलोमीटर 2 घंटे में। तो कितना दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है स्पीड, और डी क्या है, डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो कितनी होगी दोस्त, 25 किलोमीटर पर आर। मतलब यू मेरा आ गया 7 किलोमीटर पर आर, डी मेरा आ गया कितना 25 किलोमीटर पर आर। आगे पूछा है तो आप बताना है आपको, टू रो अ डिस्टेंस ऑफ 44.8 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में, स्टिल वाटर मतलब ठहरे हुए पानी में, ठहरा हुआ पानी है तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम 0 हो गई। हाउ मच टाइम ही विल टेक, कितना समय ये जो मतलब अभी है वो लेगा। चलो दोस्त, ठहरे हुए पानी में मतलब स्पीड ऑफ स्ट्रीम 0, तो मुझे यहां पर क्या निकालना है, एक्स। दोस्त एक्स निकालना आता है मुझे कैसे, डी प्लस यू बाय टू। तो डी प्लस यू 25 और 7 32, 32 बाय 2 16, तो मतलब अभी की स्पीड कितनी है 16 किलोमीटर पर आर। उसे दोस्त कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है, 44.8, स्पीड कितनी है 16, क्योंकि स्ट्रीम की स्पीड तो है नहीं, 0 है, ठहरा हुआ है पानी। तो दोस्त ये देखो 16 3 48, 48 बोले तो 480, 480 से 32 कम है तो 16 2 तो 28 जा हो जाएगा 448, तो 1 पॉइंट इधर है। तो दोस्त ये कितना हो गया 2.8, तो कितना टाइम लगा दोस्त 2.8 आवर्स। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक पक्का। सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं इस तरीके के, मतलब डायरेक्ट आपको यू दे रखा है, यू नहीं दे रखा, ये कह दिया ना कि इतना डिस्टेंस इतने टाइम में, तो यू निकल गया, डी निकल गया। अब दोस्त एक्स और वाई के बेस पर कुछ पूछा होगा। दोस्त ये 2018 मेंस में आया था सीजीएल में। आगे बढ़े, चलो आपको कहीं कहीं डायरेक्ट यहाँ तो यू के लिए निकालना पड़ा है, जैसे निकालना भी कुछ नहीं पड़ा, 28/4 करना पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं डायरेक्ट यू ही दे देगा और डी दे देगा, तब बताओ एक्स और वाई। या फिर कह देगा कि डी ये दे दिया, यू ये दे दिया, अब बताओ कि इतने किलोमीटर, जैसे इस क्वेश्चन में करा है कि कितने घंटे में वो कवर कर लेगा स्टिल वाटर में। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं दोस्त। एक क्वेश्चन और, ये भी 2018 में इसमें ही आया था, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर। आपकी स्पीड ऑफ बोट गिवन है कितनी है दोस्त, 18 किलोमीटर पर आर। स्पीड ऑफ बोट मैं एक्स को मानता हूं, मतलब कोई भी आदमी हो या बोट हो जो भी उस पानी में डाली जा रही है, तो उसकी स्पीड को मैं एक्स मानता हूँ। तो दोस्त कितनी गिवन है, 18 किलोमीटर पर आर। ठीक है, चलो आगे क्या कह रहा है, एंड द स्पीड ऑफ करंट। करंट बोले तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम या करंट कुछ भी आए ये मतलब एक ही होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ करंट, करंट बोले तो वाई या स्ट्रीम बोले तो वाई, इसकी स्पीड दोस्त आपको 6 किलोमीटर पर आर गिवन है। आगे कह रहा है, इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, इन आर्स, आर्स में विल द बोट ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। कह रहा है 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाए और वापस आए, मतलब ऑब्वियस ही बात है, जा रही है या आ रही है, एक अप स्ट्रीम होगी एक डाउन स्ट्रीम, तो उसे आने जाने में कितना टाइम लगेगा। दोस्त यहां से मुझे बताओ डी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे डी हो जाएगा एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बोली तो 24। यू कितना हो जाएगा किलोमीटर पर आर में, यू कितना हो जाएगा, इनका अंतर, इनका अंतर बोली तो 12 किलोमीटर पर आर। अब दोस्त यहां मैं फॉर्मूला नहीं लगाने वाला, वो जो हमने करा था अभी, क्यों, यहां तो मुझे यही तो बताना कि 90 इससे जाए और 90 इससे आए, तो टोटल टाइम तो डायरेक्ट कर दू, जब डाउन स्ट्रीम जाएगा तो 90/24 टाइम लगेगा, जब अप स्ट्रीम आएगा तो 90/12 डायरेक्ट प्लस कर दिया ना, फॉर्मूला क्यों लगाऊंगा। यही से तो आता है वो फॉर्मूला भी, क्योंकि यहां तो मुझे डिस्टेंस भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, तो डायरेक्ट वहां मैं समेशन ऑफ टाइम निकालने के लिए नहीं लगाने वाला। दोस्त ये कितना हो गया, आप एलसीएम ले लोगे तो 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 180, एक और ये 90, तो 180 90, 270, 240 डिवाइड है, फिर 264 डिवाइड होगा, मतलब 11 से डिवाइड है, बचा कितना 6, 6/24 बोले तो 1/4 या फिर 11.25, जिस भी फॉर्म में हो, तो आंसर कितना हो गया 11.25 आवर्स, या 11/4 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर, अरे हो जा नेक्स्ट। चलो दोस्त इस तरीके के क्वेश्चंस इस चैप्टर में, मतलब बन तो अच्छे क्वेश्चन सकते हैं, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो एग्जाम में आते हैं वो इस तरीके के क्वेश्चंस सबसे डिफिकल्ट माने जाते हैं, डिफिकल्ट में से माने जाते हैं। चलो दोस्त क्वेश्चन नंबर 3, ये तो नहीं कहूंगा कि सबसे डिफिकल्ट है यही जो आते हैं उनमें से, लेकिन उन्हीं में से माने जाते हैं।
ऐसे 3-4 क्वेश्चंस करेंगे हम, ठीक है। इसमें आपको कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं पता होने की जरूरत है। दोस्त क्या कह रहा है, ए बोट कवर्स 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, कह रहा है एक बोट 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में कवर कर लेती है। 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 घंटे डाउन स्ट्रीम 3 घंटे में, ये हो गए अपस्ट्रीम, ये हो गए डाउन स्ट्रीम। तो दोस्त क्या कह रहा है, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 18 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में, 3 घंटे में, ठीक है। और दोस्त दूसरी कंडीशन में कह रहा है 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में कवर कर लेती है दोस्त, ये 6 1/2 आवर्स में। तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ करंट बोले तो वाई बताना है आपको, ठीक है। चलो दोस्त इस तरीके के जो भी क्वेश्चन हो उसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। किस तरीके से देखते हैं, कह रहा है कि इतने अप स्ट्रीम प्लस इतना डाउन स्ट्रीम इतने घंटे में या इतने टाइम में, और फिर दूसरी बार दिया कि इतना डाउन स्ट्रीम और प्लस इतना अप स्ट्रीम इतने घंटे में। तो उस तरीके के क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 4 क्वेश्चन लिए मैंने, 4 क्वेश्चन दिखेंगे। दोस्त क्या करना है इस तरीके के क्वेश्चन में, आपको किसी को इक्वल बनाना है, या तो आप अप स्ट्रीम को इक्वल बनाओ या फिर आप डाउन स्ट्रीम को इक्वल बनाओ। क्या कहा मैंने, मैं इक्वेशन से नहीं कर रहा, इक्वेशन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने जा रहे। मैंने क्या कहा कि आप किसी भी या तो अपस्ट्रीम को इक्वल बनाओ या फिर डाउन स्ट्रीम को इक्वल बनाओ। तो यहाँ पे तो मुझे देखते ही पता लग रहा है कि इससे इक्वल बनाना इजी है, इसे इक्वल बनाना इजी है, तो इजी है तो मैंने दोस्त इसको कैसे इक्वल बना सकता हूँ, यदि मैं इसकी मल्टीप्लाई 3 से कर दूं तो बन जाएगा 12 36, बन गया अपस्ट्रीम इक्वल। तो दोस्त इसकी मैंने 3 से मल्टीप्लाई करी तो ये कितना हो गया 36 किलोमीटर। दोस्त ये कितना हो गया 18 54 किलोमीटर। ये कितना हो गया टाइम 9 आवर्स। मतलब कि वो अगर 36 किलोमीटर अपस्ट्रीम 54 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते तो उन्हें टाइम कितना लगता, 90 घंटे। अरे मैंने पूरी की मल्टीप्लाई 3 से कर दी, बात तो एक ही रहेगी, 90 नहीं 9 घंटे। अब दोस्त देखो, अब इसमें और इसमें देखो, अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो मेरा सेम हो गया और यहाँ टाइम का अंतर कितना है, टाइम का अंतर है आपको 2.5 घंटे का। अरे 9 में से 6.5 गए 2.5। दोस्त अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम हो गया तो जो ये 2.5 घंटे का अंतर है ये किसकी वजह से आ रहा होगा, डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस की वजह से। और वो डिस्टेंस है कितना, तो आप कहोगे वो डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। मतलब ये जो बोट है या जो भी चीज दे रखा है, बोट ही है, ये जो बोट है ये 2.5 घंटे में 30 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम चलती है, यही तो बात हो गई। दोस्त मैंने किसी एक को सेम किया तो ये हो गया 36, तो ये हो गया 54, ये 9 घंटे। अब मैंने देखा ये तो चीज सेम हो गई, अब जो भी टाइम का डिफरेंस आ रहा होगा वो किसकी वजह से आ रहा है, डाउन स्ट्रीम की वजह से। यहाँ पे हमने अपस्ट्रीम सेम कर लिया है, कितना अंतर आ रहा है दोस्त, 2.5 घंटे। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस में कितना अंतर आ रहा है, 30 किलोमीटर। मतलब क्या हुआ कि वो 2.5 घंटे में डाउन स्ट्रीम 30 किलोमीटर चलेगी। तो दोस्त 30 किलोमीटर कितनी देर में, 2.5 घंटे में। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड मतलब डी कितना हो गया, कैपिटल डी, पता है ना कैपिटल डी से डिनोट कर रहा हूं मैं डाउन स्ट्रीम स्पीड को, कितना 30 किलोमीटर कितनी देर में, 2.5 घंटे में। अब ये आप डिवाइड डिवाइड मत करना, डायरेक्ट कर करो, 30 को 2.5 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा, 12 है। ये मैं केवल बताने के लिए करता हूं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा दोस्त, 12 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। और वहां भी जब पेपर में सॉल्व करो तो ये किलोमीटर वगैरह कुछ नहीं लिखना है, ये केवल समझाने के लिए होता है, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो, आपका टाइम अपने आप रिड्यूस हो जाएगा सॉल्व करने का, ठीक है दोस्त। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड 12 किलोमीटर पर आ रहा है। अब दोस्त जो भी दो इक्वेशन थी, कोई सी भी इक्वेशन पे जाओ दोस्त, डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर पर आ रहा है। मैंने पहले इक्वेशन पे गया दोस्त, 18 किलोमीटर कितनी देर में कवर कर लेगा 12 की स्पीड से, 1.5 घंटा। तो बचा टाइम कितना, 1.5, मतलब 1.5 घंटे में अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर जा रहा है। तो अपस्ट्रीम स्पीड क्या हो गई, 12 अपॉन 1.5 बोले तो 8, अरे 8 का 1.5 गुना 12 है, तो कितना हो गया दोस्त अपस्ट्रीम स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछी क्या है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मुझे डी पता लग गई, मुझे यू पता लग गई कि यहाँ से मैं वाई नहीं निकाल सकता, वाई तो मानता था मैं स्ट्रीम की स्पीड। तो दोस्त वाई कैसे निकालते हैं, दिस माइनस दिस अपॉन 2, मतलब दोनों का अंतर, अंतर कितना है 4, 4 अपॉन 2 बोले तो 2,
तो आंसर कितना आ गया दोस्त, 2 किलोमीटर पर आवर। या फिर वो ये सब देके आपसे ये कह सकता है कि इतने डाउन स्ट्रीम कितनी देर में चलेगा, या स्टिल वाटर में जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में, कि इतने किलोमीटर स्टिल वाटर में कितनी उससे चलेगा, मतलब मुझे एक्स निकालना पड़ेगा, वहां से वो मैं निकाल लूंगा। आई बात समझ में दोस्त, कोई दिक्कत तो नहीं। इसी तरीके से मैंने 4 क्वेश्चन लिए हैं, जब चारों का स्पीड ऑफ स्ट्रीम ही पूछी है तो कितनी होगी भाई, और मुझसे एक्स पूछा होता तो कितना हो जाता, 12 और 8 20 20 / 2 10 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का? चलो तो कोई क्वेश्चन नहीं बनानी इसमें, क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, मैंने बताया 25 से 30 क्वेश्चन कर रहे होंगे हम इसमें। अगला क्वेश्चन, ए मोटर बोट ट्रेवलिंग एट द सेम स्पीड कैन कवर 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। कह रहा है अपस्ट्रीम एंड दिस इज डाउनस्ट्रीम। दोस्त कह रहा है कि 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 39 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम वो कितनी देर में कवर कर लेता है दोस्त, 8 आवर्स में। कितनी देर में, 8 आवर्स में। आगे कह रहा है एट द सेम स्पीड, ऑब्वियस बात है जब वही बोट है तो सेम स्पीड, चलो कोई बात नहीं। इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर, कह रहा है अगले केस में कि और 35 किलोमीटर अपस्ट्रीम और 52 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम ये कवर कर लेता है 11 आवर्स में। कितने आवर्स में, 11 आवर्स में। तो आपको स्पीड ऑफ स्ट्रीम बतानी है, मतलब वाई बताना है दोस्त। अगर ये मुझे एक्स और वाई निकाल लूं फिर तो मैं कुछ भी निकाल सकता हूं। चलो तो दोस्त अब मुझे देखो इक्वल करना है किसी को, मतलब या तो डाउन स्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस को इक्वल करो या अप स्ट्रीम डिस्टेंस को इक्वल करो। चलो दोस्त मैंने इसकी मल्टीप्लाई यदि मैं किससे कर दूं, इस देखो 39 और 52 13 कॉमन है, 13 3 जाए 13 4 जा, तो इसकी मल्टीप्लाई मैंने दोस्त 4 से कर दी और इसकी मल्टीप्लाई मैंने 3 से कर दी, ठीक है। तो 52 3 जैसे ही हो जाएगा और 39 4 जैसे ही हो जाएगा। चलो दोस्त तो 25 4 जाए 100, ये हो गया मेरा 100 किलोमीटर, ये हो गया 39 4 80 160 160 4 156, और ये हो गया दोस्त 32 आवर्स, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ करोगे दोस्त तो 105 किलोमीटर, 52 3 156, 11 3 33 आर्स। दोस्त अब मैंने डाउनस्ट्रीम को सेम कर लिया दोस्त, ये मेरा सेम हो गया, लेकिन क्या टाइम सेम हुआ है अभी, नहीं। टाइम में कितने का डिफरेंस है तो आपको अभी 1 आवर का दिख रहा है ना, पक्का? तो टाइम का मैट कितने का डिफरेंस है, 1 आवर। तो दोस्त अब डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस तो सेम हो गया, लेकिन क्या अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम है, नहीं। अपस्ट्रीम डिस्टेंस में कितना अंतर है, 5 किलोमीटर, मतलब कि वो अपस्ट्रीम 5 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर रहा होगा, 1 आवर में। तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो गई, 5 by 1 बोले तो 5 किलोमीटर पर आवर दोस्त, मतलब 1 घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर। तो अब किसी भी इक्वेशन में जाओ आप, पहली में या दूसरी में, तो दोस्त 25 किलोमीटर अपस्ट्रीम उसे ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा 5 की स्पीड से, तो आप कहोगे 25/5 5 घंटे। दोस्त 8 में से 5 घंटे गए तो कितने बचे, 3 घंटे, मतलब वो 39 किलोमीटर कितनी देर में ट्रैवल कर रहा था, 3 घंटे में। तो डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ गई, 39/3 बोले तो 13 किलोमीटर पर आवर। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आई है, 5 किलोमीटर पर आवर। दोस्त अब मुझसे वाई पूछा है, वाई पूछा है तो इन दोनों का डिफरेंस नहीं, बेसिकली डी माइनस यू, क्योंकि डी हमेशा बड़ा ही होगा यू से, तो वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी माइनस यू, 13 में से 5 गए 8/2, तो कितना हो जाएगा दोस्त, 8/2 बोले तो 4 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपको किसी को एक को या तो डाउन स्ट्रीम को या अप स्ट्रीम को इक्वल करना है, वहां से आप इसे निकालोगे। 2 क्वेश्चन और हैं, इस पर 4 बताए थे ना दोस्त। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्त दूसरी तरीके का क्वेश्चन है, बताया 4 क्वेश्चन करेंगे इस तरीके के, और अब ये तो जो 2 क्वेश्चन है वो आपको पहले खुद करने हैं, ठीक है। चलो दोस्त क्या कह रहा है, ए बोट गोस 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 1 आवर।
दोस्त ये अब 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाता है और 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाता है। कितनी देर में? 1 घंटे में। कितनी देर में? 1 घंटे में। आगे कह रहा है सेम बोट गोज 5 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, 5 किलोमीटर दोस्त डाउनस्ट्रीम जाती है वही बोट और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो उसे टोटल टाइम लगता है 55 मिनट्स। कितना टाइम लगता है दोस्त? 55 मिनट्स। दोस्त ये मिनट्स में है तो ये भी मिनट्स में कर लूं, ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट्स। कितना हो जाएगा दोस्त? 60 मिनट्स। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर में बोट की क्या स्पीड है, मतलब एक्स पूछा है। दोस्त किसी एक को इक्वल करूं मैं, किसी एक को इक्वल करने के लिए मैंने पहली मिनट को, या तो आप इसे 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसे 4 से, या इसे 5 से, इसे 4 से, ये दोनों इक्वल करना है, किसी को भी करो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करो, छोटी से मल्टीप्लाई कर करो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसे 3 से करा, मतलब मैंने अपस्ट्रीम सेम कर दू, इसे 4 से किया। दोस्त इसे 3 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा दोस्त? 4 तीय 12 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 60 तीय 180 मिनट। इसे मैं 4 से करूंगा तो ये कितना हो जाएगा दोस्त? 12 किलोमीटर। ये 20 किलोमीटर, 5 into 4, और ये 55 चौके 220 मिनट। आई बात समझ में दोस्त? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहां से मेरा अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो सेम हो गया, अपस्ट्रीम डिस्टेंस सेम हो गया, तो अंतर जो भी आ रहा होगा टाइम में वो किसकी वजह से आ रहा है? डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस की वजह से। डाउनस्ट्रीम डिस्टेंस कितना फालतू है दोस्त? 8 किलोमीटर। और दोस्त टाइम में कितना अंतर है? 40 मिनट। मतलब कि ये जो बोट है ये 8 किलोमीटर, कितनी? 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कितनी देर में कवर करती है? 40 मिनट। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो कैपिटल डी है वो कितना है? 8/40 मिनट बोले तो 2/3 आवर्स। दोस्त 40 बाय 60 आवर्स, 40 बाय 60 को काटोगे तो 2/3, तो 2/3 से डिवाइड करोगे तो 2 नीचे रह जाएगा, 3 ऊपर, तो ये 2 से ये काटोगे तो कितना हो गया दोस्त? 12। तो मतलब डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है? 12 किलोमीटर पर आवर। डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी है दोस्त? 12 किलोमीटर पर आवर। अब फिर से मैंने कहा कि कोई भी इक्वेशन लो, मैंने पहली इक्वेशन ली दोस्त 12 किलोमीटर पर आवर है, 4 किलोमीटर कितनी देर में तब कवर कर लेगा? 4/12, 4/12 बोलते तो 1/3 आवर्स, मतलब 20 मिनट्स में, या 1/3 आवर्स बोल दो। बचा टाइम कितना? 1 में से 1/3 गया, 2/3 आवर्स। 2/3 आवर्स में आप स्ट्रीम कितने कवर कर रहा है? 4 किलोमीटर। तो यू कितना होगा दोस्त? 4/2/3। दोस्त 3 ऊपर जाएगा, 4 तीय 12, 12/2 6, तो ये कितना हो गया दोस्त? ठीक कराए ना? ठीक है, 6 किलोमीटर पर आवर। दोस्त मुझसे क्या पूछ रहा है? मुझसे तो एक्स पूछ रहा है स्पीड ऑफ बोट, तो क्या करूं? d+u/2। d+u बोले तो 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 बोले तो 18, 18/2 बोले तो 9, तो आंसर कितना आ गया? 9 किलोमीटर पर आवर। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस तरीके का, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 6 इस तरीके का लास्ट है दोस्त, अपने आप करना है पहले, अगर नहीं कर रहे तो आप अपने आप से ही बेईमानी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? अ बोट कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। चलो ये क्वेश्चन आपको ही बताना है इसका आंसर भी, ठीक है? मैं करा ही नहीं रहा। कह रहा है 7.2 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 3.2 किलोमीटर अप स्ट्रीम 2 घंटे में, इट कैन कवर 1.5 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 0.6 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन 24 मिनट्स। तो दोस्त चलो एक बार कर ही लेते हैं फिर आपने, तो आपको बतानी है स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट व्हेन गोइंग डाउन स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड बतानी है। चलो डी बताना है, कह रहा है कि डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस और ये अप स्ट्रीम डिस्टेंस। डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस दो 7.2 किलोमीटर, क्वेश्चन आप पढ़ ही रहे होंगे, और अप स्ट्रीम डिस्टेंस दो 3.2 किलोमीटर, तो इन्हें टाइम कितना लगता है? 2 आवर्स, ठीक है? दूसरी कंडीशन में कह रहा है दोस्त डाउन स्ट्रीम 1.5 किलोमीटर
और अप स्ट्रीम 0.6 किलोमीटर, तो दोस्तों इन्हें टाइम कितना लगता है 24 मिनट्स। तो आपसे पूछा है डाउन स्ट्रीम स्पीड बताओ, ठीक है दोस्त, डाउन स्ट्रीम स्पीड बतानी है, डी बताना है मुझे, तो मैं यू को मतलब अप स्ट्रीम डिस्टेंस को सेम कर लूं तो इजीली हो जाएगा, डायरेक्ट डी निकल जाएगा। दोस्त मैंने क्या किया, मैंने अप स्ट्रीम डिस्टेंस को सेम किया, चलो सेम करो तो जरा 32 और 6 तो आप कहोगे कि 96 आता है दोनों की मल्टीप्लाई में, तो 32 या 96, 6 16 96, तो मैंने क्या किया पहली इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दी दोस्त, पहली इक्वेशन को 3 से करा, अरे दोस्त दोनों में एक के बाद है ना पॉइंट, इसलिए मैंने 32 और 6 कह रहा हूँ, जाए इक्वल करना है ना मुझे, तो अभी तो इसे 16 से मल्टीप्लाई किया। दोस्त इसे 3 से करूंगा तो ये 72 या 244, 72 या 244 हो जाएगा क्या, 216 होगा, 216 मतलब 21.6 किलोमीटर और 32 या 96 तो ये 9.6 किलोमीटर, 2 3 6 आवर्स, कोई दिक्कत नहीं, इसे मल्टीप्लाई करो दोस्त तो ये हो जाएगा 16 1.5 24 किलोमीटर और 16 6 96 तो एक पॉइंट के बाद 9.6 24 16 बोले तो 20 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 384 मिनट दोस्त, ये 384 मिनट है और 6 घंटे में कितनी मिनट हो जाएंगी, तो आपका होगी 360 मिनट। चलो दोस्त यहां से मेरा अपस्ट्रीम डिस्टेंस तो सेम हो गया, जो टाइम में डिफरेंस आ रहा है वो किसकी वजह से आ रहा है, डाउनस्ट्रीम स्पीड डिस्टेंस की वजह से, कितना फालतू है, तो आप कहोगे 2.4 किलोमीटर, 24 में से 21.6 गए और इसमें से ये गए तो आप कहोगे 24 मिनट। दोस्त 360 और इसमें 24 मतलब 2.4 किलोमीटर 6 मिनट 24 मिनट में डाउन स्ट्रीम ही बात चल रही है, कितना 2.4 किलोमीटर कितनी देर में 24 मिनट में। तो दोस्त यहां से क्या मैं कह सकता हूं कि अगर मैं इसे क्या लिख दूं 60 लिख दूं तो ये 6 हो जाएगा, अरे दोस्त ये पॉइंट इधर ही तो लाना है, तो 60 का एक पॉइंट इधर ले आया तो 0 के इधर ले आया, तो मतलब 6 किलोमीटर 60 मिनट में, और 60 मिनट में ही कितनी देर होते हैं 1 घंटे, तो मतलब क्या होगा स्पीड 6 किलोमीटर पर आर, अरे दोस्त 6 किलोमीटर चल रही है 60 मिनट में, मतलब 6 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, तो स्पीड क्या होगा 6 किलोमीटर पर आर, डाउनस्ट्रीम स्पीड ही तो निकली है, यही तो पूछा है क्वेश्चन में, आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि ये क्वेश्चन आपको पहले खुद करना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 7, 10 क्वेश्चन करेंगे दोस्त आज, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, अ मोटर बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन अ रिवर इन 3 आवर्स, कह रहा है 3 घंटे में कवर करता है डाउन स्ट्रीम कोई डिस्टेंस, इट कवर्स द सेम डिस्टेंस, अब उसी डिस्टेंस को अपस्ट्रीम 3 आवर्स एंड 30 मिनट्स में कवर करता है, स्पीड ऑफ वाटर आपको गिवन है, तो आपको बताना है स्पीड ऑफ बोट क्या होगी इन स्टिल वाटर, ठीक है दोस्त। चलो दोस्त दोनों में सेम डिस्टेंस कवर हो रहा है, या तो मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा इसमें या फिर डिस्टेंस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो मैंने क्या लगाया कि डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, और डिस्टेंस कॉन्स्टेंट होता है तो मैं जानता हूं क्या स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होती है। चलो दोस्त जब डाउन स्ट्रीम आप केस वन बात करता हूं और केस टू, या केस वन नहीं डाउन स्ट्रीम जा रहा है वो, जब डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम, दोस्त जब डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो उसे टाइम टाइम कितना लग रहा है 3 घंटे 3 आवर्स, और जब वो अप स्ट्रीम जा रहा है तब उसे कितना लग रहा है 3.5 बोले तो 7/2 आवर्स, तो दोस्त रेशियो कितना हो गया, तो इधर आ जाएगा 6:7, तो दोस्त स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, कौन सी स्पीड डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड, क्योंकि उसी को कॉरस्पॉन्डिंग बात चल रही है 7:6, तो दोस्त डाउन स्ट्रीम स्पीड और अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो कितना हो गया 7:6। अब आपसे पूछा है इफ द स्पीड ऑफ वाटर इज, वाटर मतलब वाई आपको गिवन है कितना 1.5 किलोमीटर पर आर, आपको वाई गिवन है, तो आपसे पूछा है कि स्पीड ऑफ बोट बताना है, चलो ठीक है दोस्त, यहां से मेरा ये तो आया कैप्स डी और ये कैप्स यू मतलब
डाउन स्ट्रीम स्पीड और ये अप स्ट्रीम स्पीड का रेशियो। तो मतलब मेरा डी बाय यू कितना हो गया दोस्त, 7/6 कह दो। हाँ, और मुझे वाई दे रखा है तो आपसे एक्स पूछा है, इनका रेशियो आ गया 7/6 दोस्त। डी होता क्या है, तो आप कहोगे डी होता है एक्स प्लस वाई, यू होता क्या है एक्स माइनस वाई। दोस्त ये मुझे पता है, मुझे एक्स पता है, क्या मैं यहाँ से वाई नहीं निकाल सकता दोस्त? यहाँ तो मैं सी एन डी रूल लगा दूँ क्या दोस्त? ये एक्स प्लस वाई है, ये एक्स माइनस वाई है, तो एक्स अपॉन वाई आ जाएगा। सी एन डी रूल लगाऊंगा, कैसे लगाया है, ऊपर प्लस, मतलब ये मैंने लगाया कैसे, एक्स प्लस वाई जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाके प्लस कर दिया, अपॉन जो डिनोमिनेटर है वो नीचे न्यूमरेटर में से माइनस कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, वाई से वाई कैंसल, यहाँ एक्स से एक्स कैंसल, 2x/2y, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x अपॉन वाई आएगा। और इधर दोस्त, अब मैंने इधर क्या किया था, न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर ऐड किया था, तो 7+6, तो इधर भी न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड वो सब्ट्रैक्ट कराया नीचे, तो 7-6, तो क्या हो गया रेशियो 13:1। तो एक्स वाई वाई कितना हो गया दोस्त, 13:1। तो एक्स क्या हो गया दोस्त, 13y, वाई की वैल्यू कितनी है 1.5, तो 1.5 × 13 मतलब 13 का 1.5 गुना 19.5, तो स्पीड कितनी हो गई, 19.5 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में? दोस्त अगर मेरे को डी और यू की क्या आ जाए, रेशियो आ जाए, तो आपको कुछ नहीं, ये कुछ नहीं करना डायरेक्ट। जैसे मेरा डी और यू का रेशियो यहां पर क्या था, 7/6, तो एक्स बाय वाई का रेशियो क्या निकालोगे, एक्स क्या है यहां पर, क्या होता है एक्स, तो आपको पता होगी कि डी प्लस यू 2x होता था और डी माइनस यू कितना होता था, 2y। तो इसी तरीके से आप इधर भी क्या लगाओगे, जब सी एन डी रूल लगाओगे तो ध्यान रखना, जहां भी एक्स है क्या है, एक्स दोनों को ऐड कर दो, 7 और 6 13 है, जहां वाई है दोनों को घटा दो, क्या हो जाएगा 1। दोस्त यहां पर अगर मैं सी एन डी रूल लगा दूं तो क्या है, डी प्लस यू, तो यू ऐड करूंगा तो 7 और 6 13 है, फिर डी अपॉन डी माइनस यू, तो 7-6 1, तो यही तो आ गया, और 2 से 2 कैंसिल। मतलब डायरेक्ट याद रखो, डी और यू का रेशियो पता है तो एक्स और वाई का कैसे निकालोगे, जहां एक्स है वहां दोनों को ऐड, जहां वाई लिखना है वहां दोनों का अंतर। आई बात समझ में? तो एक्स टू वाई कितना आ गया, 13:1। कोई दिक्कत, ये बात तो आपको एलजेब्रा में भी आती है। सी एन डी रूल हमने एलजेब्रा में भी शायद पढ़ा नहीं है, आगे कराएंगे, ठीक है। तो एक्स और वाई का रेशियो आ गया 13:1, मतलब एक्स इज इक्वल टू 13y, वाई की वैल्यू मुझे पता है तो यहां से मैं एक्स की निकाल लूंगा। आई बात समझ में, हाँ या ना, एक बार और देखते हैं, ठीक क्वेश्चन है दोस्त। कह रहा है कि इतना डिस्टेंस डाउनस्ट्रीम 3 घंटे में और अपस्ट्रीम 3.5 घंटे में कवर कर लेती है कोई बोट, मतलब डाउनस्ट्रीम टाइम और अपस्ट्रीम टाइम कितना है, 3 घंटे 3.5 घंटे। दोस्त डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम होगी, हमने टाइम स्पीड डिस्टेंस कर लिया है, तो दोस्त टाइम का रेशियो 6:7 आ गया, तो स्पीड का 7:6। ये कौन सी स्पीड का रेशियो है, डाउनस्ट्रीम स्पीड और अपस्ट्रीम स्पीड, 7:6, तो यहां से मेरा 7:6, और डी को क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस वाई, यू को एक्स माइनस वाई, या फिर आप ध्यान डायरेक्ट ध्यान रखो कि डी प्लस यू का रेशियो है, तो एक्स और वाई का रेशियो निकालना हो तो क्या करना है, एक्स की जगह जहां दोनों को जोड़ दो और वाई की जगह दोनों का अंतर। तो रेशियो क्या हो गया एक्स और वाई का, 13:1, तो एक्स कितना हो गया 13y, वाई की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में 1.5 किलोमीटर पर आवर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 13 × 1.5, 13 × 1.5 बोले तो 19.5 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर कितना हो गया, 19.5। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े, पक्का। अब दोस्त ये आपके मन में ये भी आ सकता है कि वो फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये वाला, हम चलो उससे भी देखते हैं दोस्त। इसमें एक बार मेरे को दे रखा है टी डी दे रखा है कितना, 3 आवर्स, और टी यू कितना दे रखा है दोस्त, अलग अलग दे रखा है, अगर मिला के देता एक ही आधी इक्वेशन होती तो वहां मैं टी डी और टी यू मिला के देता तो वहां पुट कर देता, दोनों का अंतर देता तो टी यू माइनस टी डी में पुट कर देता, अलग अलग दे रखा है, तो मतलब मुझे यहां से 2 इक्वेशन बन सकती हैं, और देखना पड़ेगा, कंफर्म कुछ नहीं है। ये कितना है, 3.5 घंटे, 3 आवर्स 30 मिनट्स। चलो दोस्त डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस सेम है, मुझे नहीं पता कितना है, क्या होता था, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये टी यू माइनस टी डी, और जब डिफरेंस लेता हूं तो यहां क्या आता था, टी 2y,
और जब एडिशन लेता था मतलब दोनों टाइम का समीशन लेता था यहाँ 2x। मुझे तो केवल ये पता है, ये इंडिविजुअली पता है, चलो इंडिविजुअली पता है, तो दोस्त मैंने यहाँ इनका डिफरेंस लिया तो डिफरेंस कितना जाएगा हाफ आर, हाफ आर बोले तो 1/2 आर। दोस्त एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, वाई कितना के बने 1.5 किलोमीटर पर आर, 1.5 किलोमीटर बोले तो 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 अपॉन ये कितना है 2 डेढ़ था, 1.5 दूनी 3, तो डी इज इक्वल टू ये आया। दोस्त मुझे एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी क्योंकि मेरे पे एक एक्स है और एक डी है, तो मैं यहाँ से तो सॉल्व भी नहीं कर पाऊंगा एक्स को। तो दोस्त डी इज इक्वल टू दूसरी इक्वेशन बनाई, दूसरी में मैं मेरे को ये इंडिविजुअली पता है तो दोनों का टोटल सम कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस ये 9/4। अब क्या आएगा दोस्त 2x, जब यहाँ मैं सम करता हूँ तो 2x, और x की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, तो ये 2x ही रहने दिया, इन टू दोनों का सम किया तो ये कितना हो जाएगा दोस्त 6.5 घंटे, 6.5 घंटे बोले तो 13/2 आवर्स। चलो अब दोस्त यहाँ से मेरे x है और d है, दो इक्वेशन है, दो ही वैल्यू है, निकाल सॉल्व कर लूंगा क्या मैं। मैंने क्या किया, मैंने को दोनों को डिवाइड कर दिया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो डी से डी कैंसिल हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइड किया तो एक्स ये कैंसिल हो जाएगा। जब डिवाइड करोगे तो ये कितना बचेगा 1/6 अपॉन 13/4x, ये बचेगा दोस्त 4x ऊपर गया, और ये 13 × 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 × 6 अपॉन 4। दोस्त 4 से ये काटा तो 3/2, तो 13 × 3 39, 39 अपॉन 2 19, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 19.5। तो इस मेथड से अच्छा यहाँ पर दो इक्वेशन बनी है हमारा वो वाला रहेगा। लेकिन आपको आना जरूर चाहिए। तो हमारी स्पीड ऑफ बोट कितनी आई 19.5 किलोमीटर पर आवर, आई बात समझ में, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है आगे बढ़े, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ए बोट रनिंग अपस्ट्रीम टेक्स 5 आवर्स एंड 40 मिनट्स टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। दोस्त अपस्ट्रीम किसी डिस्टेंस को कवर करती है 5 घंटे 40 मिनट में, और डाउनस्ट्रीम उसी डिस्टेंस को 3 घंटे में। तो आपको बतानी है कि रेशियो क्या होगा आपके स्पीड ऑफ बोट एंड करंट का, मतलब उसके जैसे एक्स और वाई था, वाई दे रखा था एक्स निकालता था, नहीं अब उनका रेशियो ही पूछा है। तो दोस्त यहाँ पर डिस्टेंस कॉन्स्टेंट है, डिस्टेंस कांस्टेंट है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो दोस्त जब डाउन स्ट्रीम जा रही होगी DWS, और जब अप स्ट्रीम आ रहा होगा या जो भी है बोट है अप स्ट्रीम आ रही होगी, तो दोस्त टाइम मुझे गिवन है, टाइम कितना है दोस्त डाउन स्ट्रीम लग रहा है उसमें 3 आवर्स, अप स्ट्रीम लग रहा है 5 घंटे 40 मिनट, 5 घंटे 40 मिनट बोले तो 5 × 2/3 आवर्स, दोस्त 40 मिनट 2/3 आवर्स होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 × 3 = 15, 17/6। ठीक है 5 घंटे 40 मिनट, ठीक कोई दिक्कत नहीं। तो ये इधर आया तो रेशियो कितना हो जाएगा दोस्त 18:17। दोस्त टाइम का रेशियो स्पीड, टाइम का रेशियो आया 18:17, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे स्पीड का रेशियो हो जाएगा 17:18, कितना हो जाएगा दोस्त 17:18। तो दोस्त मतलब डी अपॉन यू मेरा कितना है दोस्त 20, डी की स्पीड कैसे कम हो जाएगी, कुछ गलत कर दिया है क्या, कुछ तो गलत किया है। अच्छा ये डी की स्पीड तो कमी कभी हो नहीं सकती, 5 × 3 = 15 और 2 = 17, 17/3 हो जाएगा, और ये 3 × 3 = 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो दोस्त डी बाई यू कितना हो जाएगा दोस्त 17/9। मुझसे पूछा क्या है रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट एंड स्ट्रीम, मतलब एक्स वाई वाई पूछा है, तो दोस्त मैंने बताया जब डी और यू का रेशियो हो तो एक्स की जगह क्या कर दोगे दोनों को सम, रेशियो में 17 और 9 = 26, और वाई की जगह क्या कर दोगे 17 − 9 दोनों का अंतर तो 8, तो कितना हो गया दोस्त 13/4, तो रेशियो कितना 13/4। तो एक्स और वाई का रेशियो कितना हो गया, मतलब स्पीड ऑफ बूट और स्पीड ऑफ स्ट्रीम का रेशियो कितना हो गया 13:4। आई बात समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का आगे बढ़े। इसे मैं उस तरह फॉर्मूले से भी लगा सकता था जैसे लास्ट क्वेश्चन में लगाया था, लेकिन बताया कि इस तरीके के क्वेश्चन में वो लेंथी जा रहा है इसलिए मैं यूज नहीं कर रहा, आप एक बार ट्राई जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9,
द स्पीड ऑफ करंट इज 5 किलोमीटर पर आवर। दोस्त स्पीड ऑफ करंट मतलब वाई आपको गिवन है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। अ मोटर बोट गोज 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड बैक अगेन। दोस्त गई अपस्ट्रीम है तो आई डाउनस्ट्रीम गई होगी टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 50 मिनट्स। दोस्त आने और जाने दोनों का समय दे रखा है, मतलब आपको टी यू प्लस टी डी दे रखा है, कितना 50 मिनट्स 50 मिनट्स। लेकिन ये किलोमीटर पर आर में है तो इसे भी बदल दिया मैंने आर में, कितना हो जाएगा 50/60 मतलब 5/6 आवर्स। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ मोटर बोट, मतलब मेरे को क्या बताना है, वाई वाई तो गिवन है, मोटर बोट की स्पीड बतानी है, एक्स बताना है। दोस्त मैं जानता हूं कि डी इज इक्वल टू क्या होता है, अब मेरे को क्या गिवन है दोस्त, समेशन ऑफ टाइम, तो कौन सा लगाऊंगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन समेशन ऑफ टाइम में क्या आता था 2x, क्योंकि d प्लस यू आता था समेशन ऑफ टाइम में नीचे, तो d प्लस यू कितना होता था दोस्त 2x के बराबर इनटू समेशन ऑफ टाइम कितना है 5/6, तो इनटू 5/6। दोस्त मुझे x तो पता नहीं है, क्या d भी नहीं पता मुझे, ये तो दो चीज नहीं पता होंगी, नहीं d पता है 10 किलोमीटर पर आवर, तो d की जगह मैंने क्या लिख दिया दोस्त 10, और y भी पता है मुझे, y की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 5 का स्क्वायर 25। दोस्त एक ही चीज तो नहीं पता x, तो यहां से निकाल लूंगा क्या मैं, 5 से 1 आटा 5 दूरी, तो ये कितना हो गया दोस्त 12 दूरी 24x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 24x, एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो इस तरीके की क्वेश्चंस में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होगी जब आपको क्या पता होगा, वाई भी पता होगा और डी प्लस यू भी पता होगा डी भी, क्योंकि एक्स किसमें है क्वाड्रेटिक, एक्स स्क्वायर में भी और एक्स की पावर 1 भी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी। अब दोस्त ये तो इजी है क्योंकि 25 × 1 25, तो 24 को ऐसे ब्रेक करो कि क्या ऐड करने पर तो 24 आए लेकिन मल्टीप्लाई करने पर 25 आए, माइनस 25 आए और ऐड करने पर माइनस 24 आए, तो ये तो इजी है, 25 और माइनस 25 प्लस 1 में ब्रेक हो जाएगा। लेकिन जैसे कोई इजी नहीं हो तो हम उसे ऑप्शन से करेंगे वहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व, या फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, ऑप्शन बताएगी, जैसे ऑप्शन हुए 5 6 7, तो मैंने इसमें डायरेक्ट डाल लूंगा ना 5 रख लूंगा एक्स की वैल्यू, सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, 6 रख लूंगा सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं, जो भी सेटिस्फाई कर रहा होगा वो आंसर, या फिर मैं सॉल्व करूंगा। तो दोस्त मैं इसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस x, 25 × 1 − 25 − 25 + 1 − 24, तो ये −25 = 0। तो दोस्त इसमें से x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 25, इधर से 1 कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त x की कितनी वैल्यू आई, तो एक x की वैल्यू आई 25 मतलब 25 किलोमीटर पर आवर, एक x की वैल्यू आई −1। क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, क्या नहीं, तो आंसर कितना हो जाएगा 25 किसमें था किलोमीटर आर में, ये आर में था, तो आंसर किसमें आएगा किलोमीटर पर आर में, तो स्पीड ऑफ बोट कितनी हो जाएगी 25 किलोमीटर पर आवर, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े पक्का, चलो लास्ट क्वेश्चन है इसी तरीके का है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, अगली क्लास में 15-20 क्वेश्चन हम जितने भी मैं देखता हूँ जितने भी अलग टाइप के मिलते हैं वो लाते हैं और ये चैप्टर मतलब ये पार्ट इस चैप्टर का खत्म करते हैं। ए बोट गोज कितना है 138 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 11.5 आवर्स, कह रहा है जाती है और आती है, डाउन स्ट्रीम जाती है और वापस आती है बोट, 138 किलोमीटर वो डिस्टेंस है और कितना देर लगाती है आने जाने में 11.5 घंटे। स्पीड ऑफ करंट गिवन है आपको कितना 9, तो यहाँ से मैं डिस्टेंस मेरा 138 इज इक्वल टू क्या होता है डी इंटू यू, या वो नहीं याद करो तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि डी और यू को खोलकर यही आएगा, तो दोस्त अपॉन दोस्त इसमें समेशन ऑफ टाइम दिया है ना कि टोटल टाइम दिया है, टोटल टाइम दिया है तो क्या टोटल टाइम जब दिया होता था मतलब समेशन ऑफ टाइम दिया होता तो यहाँ क्या आता था 2x, लास्ट क्वेश्चन की तरह है तो 2x, और दोस्त समेशन ऑफ टाइम कितना है 11.5 घंटे 11.5 आवर्स, तो 11.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ 23/2, और वाई आपको गिवन है 9, तो वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 9 का स्क्वायर। अब आपसे स्पीड ऑफ बोट पूछी है मतलब x पूछा है, यहाँ से x निकाल लूंगा मैं, क्वाड्रेटिक बनेगी, तो दोस्त 23 से ये गया 23 6 जा 2 दूनी 4
4 6 24, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 81 इज इक्वल टू 24x। तो ये हो गया दोस्त एक्स स्क्वायर माइनस 24x माइनस 81 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त 81 माइनस 81 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे और माइनस 24 ऐड करने पर। तो दोस्त 27 3 81 होता है, तो ये मैं लिख सकता हूँ क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 3x। 27 और 3 का अंतर कितना हो गया माइनस 24, क्योंकि माइनस 27 है, 27 3 81, तो एक माइनस क्या, तो माइनस 81 माइनस 81 इज इक्वल टू 0। दोस्त x कॉमन लिया तो ये कितना हो गया x माइनस 27, यहाँ से मैंने 3 कॉमन लिया तो ये कितना हो गया x माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो दोस्त x की वैल्यू कितनी हो गई 27 किलोमीटर पर आर, और दूसरी वैल्यू कितनी हो गई जब x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखूंगा माइनस 3, क्या वो स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं। तो आंसर कितना हो गया 27 किलोमीटर पर आर। तो इस तरीके के क्वेश्चन, इसीलिए कहा था मैंने ये जो हमने फॉर्मूला देखा था वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपने पहले टाइम स्पीड डिस्टेंस नहीं आता तो हो सकता है ना आई हो, वो आना आपको जरूरी है उस वो चैप्टर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, क्योंकि ये उसी का पार्ट है। जो हमने जैसे रेशियो मेथड लगाया था वो आपको तभी पता लगेगा क्योंकि हमने वहां बहुत क्वेश्चन किए थे। तो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में 15-20 क्वेश्चंस के साथ मिलते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खेलते रहिए। धन्यवाद।